सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। कानपुर में निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी आप। मेयर सहित 110 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। विलियन कंपनी के एमडी संपत्ति को फ्रॉड कंपनी बनाकर निवेशकों का धन करता था दोगुना, गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। दिल्ली में युवक से मेरठ में लूट, दिल्ली से बाइक पर मेरठ जा रहा था युवक, तमंचा सटाकर बाइक और रुपए लूटकर फरार। बागपत में तेज रफ्तार कहर कार ने उड़ाया रामलीला का मंच, दो कलाकार घायल, लोगों ने ड्राइवर व को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बलिया में रेलवे ट्रैक से मिला महिला का शव, चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, पुलिस शिनाख्त करने में जुटी। कुशीनगर में दुष्कर्म मामले में लापरवाही बरतने पर एसएचओ सस्पेंड, 8 दिन पहले नाबालिग से हुआ था रेप। जलौन में चाचा को भतीजे ने मारी गोली, पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, घायल को हायर सेंटर भेजा रेफर। बुलंदशहर में खेत में काम कर रही महिला से दुष्कर्म, 2 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड का खुलासा, एक गिरफ्तार, अवैध संबंध में की गई थी युवक की हत्या। संभल में दिव्यांग विमल कुमार की पेंटिंग की लगेगी प्रदर्शनी, गले में पेंसिल डालकर बनाते हैं पेंटिंग। गाजीपुर में ट्रैफिक पुलिस ने कसी कमर, नवरात्र दशहरा में बढ़ते वाली भीड़ को देखते हुए डायवर्जन स्कीम लागू। आगरा पहुंचे अनुपम खेर, ताजमहल देख बोले वाह ताज, हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। अलीगढ़ के महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा के दौरान हुआ हादसा, स्किन के साथ अलग हुए 12 साल की बच्ची के बाल। अयोध्या में रिलीज हुआ आदिपुर का टीजर, प्रभु राम प्रभास के लुक में किया इंप्रेस, लॉन्चिंग से पहले रामलीला के लिए दर्शन। लूट की वारदात में सफल नहीं हुए तो चलाई गोली, मनोज किठाला ही निकला सराफा व्यापारी के फायरिंग करने वाला गैंग का सरगना। श्रद्धालुओं को पीटने वाला दरोगा समेत 5 सस्पेंड, खाटू श्याम मंदिर जाने के दौरान कैबिनेट मंत्री के विरोध पर कार्रवाई। संत कबीर नगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी कार, हादसे में मां बेटी और नाती की गई जान। देवरिया पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, पीएफआई को बताया राष्ट्र विरोधी संगठन। महाराजगंज में निरहुआ और मैथिली ठाकुर ने भरा रंग, देर रात तक झूमते रहे श्रोता। बहराइच डीएम ने विसर्जन स्थलों का किया निरीक्षण, हकीकत जानने के लिए नाव पर बैठकर साफ सफाई को परखा।
शाहजहांपुर से धारदार हथियार से किसान की हत्या। गांव में चार लोगों पर हत्या का आरोप। खेत में सब्जी काटने गया था किसान। गोंडा में चलाया गया सफाई अभियान। सरियों से निकाला गया 20 टन क्विंटल कचरा। लोगों से जुड़ने की गई अपील। संभल के जंगल में मिला युवक का सिर कटा शव। मृतक ही की है नहीं हुई शिनाख्त। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जालौन में महिला ने की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पति गया था बाहर मजदूरी करने। सीतापुर में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत। नेशनल हाईवे पार करते समय पिकअप ने मारी टक्कर। बेटी को लेकर घर लौट रही थी मां। भदोही में दुर्गा पंडाल में आग लगने से 5 मिनट जांच के लिए एसआईटी टीम का हुआ गठन। इस घटना में 64 लोग झुलसे। अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। बीपी और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ एनएच पर भीषण हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक में भड़की आग। ड्राइवर की हुई मौत। शादी नवरात्रि का आज 8वां दिन। देवी मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। काशी में गूंजे जय माता दी के जयकारे। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस की जीप से टक्कर मारकर फरार थे। बदमाश जौनपुर का रिजवान है सरगना। अलीगढ़ में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान का बड़ा बयान। कहा विश्वविद्यालय में विरोध कर रहे छात्रों पर होगी कार्रवाई। अरब में बंद हुई ट्रेनों के ठहराव को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन उठाया, जिसका वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं मां की आराधना। मिसाल बने मोहम्मद तौफीक। 17 सालों से कर रहे मां दुर्गा की पूजा। अलीगढ़ में बाइक चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया युवक। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बलिया में जिला कलेक्ट्रेट परिचालक कौशल के परिवार डीएम और पीएसए ने लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर में चरम सीमा पर अवैध वसूली का खेल। फूके ट्रांसफार्मर को बदलवाने की आड़ में किया जा रहा है अवैध वसूली। गाजियाबाद में महामंडलेश्वर की हत्या की साजिश नाकाम। मंदिर में घुसा संदिग्ध गिरफ्तार। बढ़ाई गई सुरक्षा। हमीरपुर में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ आयोजित की गई बैठक। बैठक में दीक्षा ऐप आदि विषयों पर की गई चर्चा। हरदोई में क्षत्रिय महासभा द्वारा मनाया गया विजयदशमी का पर्व। विजयदशमी पर मेगा अभिनंदन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कन्नौज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कासगंज के सक्सेना के नेतृत्व में बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश सक्सेना ने किया। कुशीनगर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 आरोपी गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी में टीचर की पिटाई से छात्र का हाथ टूटा, परिजनों में रोष, परिजनों ने प्रबंधक से कार्रवाई की मांग की। संभल में महात्मा गांधी जयंती पर कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा, जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि बापू सत्य की मिसाल हैं। शाहजहांपुर की ऐतिहासिक दुर्गा पूजा में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री ने किया पूजा अर्चन। सुल्तानपुर में अंबे दुर्गा माता समिति का 25वां वार्षिक उत्सव महोत्सव आयोजित किया गया, समारोह में मां दुर्गा की अष्टधातु की मूर्ति की गई स्थापित। भदोही में दुर्गा पंडाल में आरती करते समय लगे भीषण आग, 52 लोग झुलस गए, झुलसे हुए लोगों को वाराणसी ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया। सुल्तानपुर में मनाया गया एआरटीओ द्वारा महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, जयंती पर जनपदवासियों को दी गई बधाइयां। औरैया में खेत में पड़ा मिला शव, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में पिछड़े वर्ग महासभा का किया गया सम्मेलन, जिसमें जिलाधिकारी ने चार बिंदुओं पर किया चर्चा। और आज के रामलीला मैदान में चल रहा रावण पुतले का निर्माण, रावण को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात जुटे हैं कारीगर। देवरिया में रामनगर पंचायत घोषित होने पर किया गया सम्मान समारोह का आयोजन, चुनाव में अपनी अपनी दावेदारी आजमाने में जुटे लोग। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए सभी लोग कर रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल मोहम्मद तौफीक कर रहे हैं 17 वर्षों से पंडाल में मां दुर्गा की सेवा। औरैया में युवती का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, युवती के साथ बलात्कार की आशंका को लेकर परिजनों में आक्रोश। अयोध्या में मुलायम सिंह यादव की जीवन रक्षा के लिए शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक ब्राह्मणों के साथ महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां दी गई। अयोध्या में सरयू तट पर साधु ने काटा अपना पंजा, हालात गंभीर, किसी पूजा और तांत्रिक क्रिया की आशंका। गोंडा में समाधान दिवस बना मजाक, समाधान दिवस में सोते और गेम खेलते नजर आए आते जाते लोग। हमीरपुर में स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रधानाध्यापिका ने महिला चपरासी को घसीट घसीट कर मारा, वीडियो वायरल। कानपुर के हैलेट अस्पताल में विदेशी युवती की मौत, एक माह से हैलेट अस्पताल में यूक्रेन की युवती का चल रहा था इलाज। लखीमपुर खीरी के टिकुनिया कांड में आज एक साल हुआ पूरा, बरसी कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। धार्मिक आयोजनों को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश, कहा अग्नि सुरक्षा का रखा जाए ध्यान। गोंडा में गांधी शास्त्री जयंती पर हुआ आयोजन, कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले लोगों को किया गिरफ्तार।
अमेठी में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ आरोपी, आरोपी और पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर पहुंचे डिप्टी सीएम बिजस पाठक ने मरीजों से जाना उनका हाल, स्वास्थ्य सेवा के प्रति किया आश्वस्त। बलरामपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, दुर्गा पूजा पंडालों और रामलीला स्थलों का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन, लखीमपुर की पहली बरसी पर बोले, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भाकियों का संघर्ष जारी रहेगा। गाजियाबाद में डबल मर्डर, फाड़वे से प्रहार कर किसानों ने एक दूसरे की जान ली, 5 लाख रुपए का था विवाद। कानपुर देहात में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, ट्रैक्टर से यात्रा न करने की दी सलाह, बीते दिन 26 लोगों की हो गई थी मौत। शामली में तमंचा दिखाकर व्यापारी से 3 लाख की लूट, दुकान बंद कर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने रोका। आगरा के दुर्गा पंडाल में शॉर्ट सर्किट होने के बाद भगदड़ गड्ढे में गिरने से एक गर्भवती महिला की हुई मौत। मुजफ्फरनगर में भाकियों ने फूका केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, सॉरी क्षमा कीजिएगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुतला। लखीमपुर में किसानों की हत्या को लेकर त्यागपत्र की मांग। गाजीपुर में बड़े आंदोलन की तैयारियों में किसान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत जमीने का मुआवजा बढ़ाने की मांग। संभल में पुलिस टीम से अभद्रता, IGRS पर आई शिकायत की जांच करने गई थी, गांव महिलाओं ने गाली गलौज और हाथापाई की। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख